हेलो दोस्तों, बुद्धाटेक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले फेमबिट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फेमबिट एक बहुत ही बड़ी स्पॉन्सरशिप साइट है, जहां से आप टेक्नोलॉजी की, ब्यूटी की और क्लोथिंग की, ऐसे बहुत सारे वहां से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? जो भी चैनल या फिर जो भी पेज कह लीजिए, अगर उनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स 5000 से ऊपर हैं, तो क्या उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फेमबिट में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और प्रपोजल कैसे लिखते हैं। मैंने एक प्रपोजल बनाया है और उसे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां से सीख सकते हैं कि एक नॉर्मल सा प्रपोजल कैसे लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको फेमबिट की साइट ओपन करनी है और यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएटर्स एंड ब्रांड्स और एजेंसी। तो मान लीजिए आप एक ब्रांड है, सपोज कर लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर कोई ऐप बनाया है और आप उस ऐप की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे। लेकिन आप क्रिएटर हैं, आपका कोई फेसबुक पेज है या फिर टम्बलर में अकाउंट है या फिर ट्विटर में अकाउंट है जहाँ पे आपके फॉलोअर्स 5000 से ऊपर हैं, तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे क्रिएटर्स पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ और मैं चैनल चलाता हूँ जिसका नाम बुद्धाटेक, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे क्रिएटर्स पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप इस पेज में आएंगे और आपके पास जो भी अकाउंट है, जिस किसी का भी अकाउंट, जैसे कि YouTube हो गया, Twitter हो गया, Tumblr हो गया, फिर Facebook पेज हो गया, आपके पास जिस किसी का भी अकाउंट है, मेक श्योर कि आपका जो फॉलोअर्स है या फिर सब्सक्राइबर है वो 5000 से ऊपर होना चाहिए। तो चलिए, मेरा जो अकाउंट है वो YouTube का अकाउंट है, तो मैं इसे जल्दी से क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट जो YouTube से एसोसिएटेड है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपका YouTube चैनल और जीमेल आ जाएगा, तो मैं YouTube चैनल पर क्लिक करूँगा। तो इस पेज में आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो फेमबिट है आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है। तो किस चीज़ का परमिशन मांग रहा है? तो वो यहाँ पर आपके YouTube के एनालिटिक्स रिपोर्ट को देख सकता है और आपके YouTube अकाउंट को देखने के लिए भी ये परमिशन आपसे मांग रहा है। तो आप जस्ट यहाँ से अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आप जब भी कभी प्रपोजल लिखेंगे फेमबिट पे और प्रपोजल में अपने चैनल का लिंक देंगे, तो फेमबिट क्या करेगी, आपके चैनल को देखेगी पहले, उसी के बाद आपको परमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको चैनल का नाम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल और पासवर्ड लिखना होगा। उसके बाद आपको साइन अप कर देना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे फटाफट इसे फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे साइन अप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अब यहाँ पे इसने आपको एक ईमेल भेजा है और उसी ईमेल में भेजा है जो ईमेल आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब क्या करना है, आपको अपने ईमेल में जाना है। देखो, तो ये मेरा ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल पे आपको क्लिक करना है, तो आप इस लिंक के थ्रू आप फेमबिट के पेज में पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपका डैशबोर्ड लॉगिन आ चुका है, मतलब आपको अपना जीमेल और पासवर्ड यहाँ पे लिख के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और ये जो मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरा फेमबिट का डैशबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप आपको दिख जाएगा। तो आपका जैसा भी चैनल है, जैसे कि मान लीजिए आपका टेक का चैनल है या फिर ब्यूटी का चैनल है या फिर कुकिंग का चैनल है, वैसा स्पॉन्सरशिप आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि मेरा टेक का चैनल है, तो मैं यहाँ पर चैनल पर जाऊँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा फिल्टर बाय कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, जैसे कि ब्यूटी एंड फैशन, गेमिंग एंड ऐप्स, हेल्थ एंड फिटनेस। आप जैसा चाहोगे वैसा आपके चैनल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो मैं टेक का चैनल है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे प्रपोजल आ चुका है। तो हम प्रपोजल कैसे भेजेंगे? तो यदि आप इस सॉफ्टवेयर का स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम यहाँ से $500 मिल सकता है। चलिए, कैसे हम इसका ले सकते हैं स्पॉन्सरशिप? तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे इसने अपने इस वीडियो एडिटिंग के बारे में यहाँ पे बताया इन्होंने कि कैसे कैसे आपको प्रमोशन करना है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको ब्रांड रेटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 4 स्टार इसे दिया है। सेंड प्रपोजल, यहाँ सेंड प्रपोजल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बस क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आते ही आपको इंटर योर फी, आपका फी कितना लेना चाहते हैं, जैसे मैक्सिमम 500 है। तो आपका यदि छोटा चैनल है, मान लीजिए आपके पास बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप यहाँ पे मिनिमम $50 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप $50 ही दें, क्योंकि इनको एक दिन में लाखों प्रपोजल मिलते हैं। ये चाहेगा कि कम पैसे में इनका काम बन जाए, तो आप
दे सकते हैं 50, अगर आपका 50 अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 150 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं। लेकिन पहला जो स्पॉन्सरशिप है मैं आपको $50 के लिए रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं डे ऑफ कम्प्लीट योर कंटेंट, मतलब आप कितने दिन में आप अपना वीडियो कम्प्लीट करके इन्हें आप दे देंगे। तो मिनिमम है 3 डेज, फिर 7 डेज, 14 डेज, बस करके आप अपना चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 डेज चूज़ करता हूँ। नीचे है आपको प्रपोजल के बारे में, आपको एक अच्छा सा प्रपोजल लिखना है, लिखना है और कैसे लिखना है, मैंने एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। आपका जो भी चैनल है, जिस तरीके का चैनल है, जैसे मान लीजिए आपका टेक का है, तो टेक का कुछ अलग होगा, ब्यूटी एंड फैशन का कुछ अलग होगा, तो मैंने एक सैम्पल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से बना सकते हैं और यहाँ से सेंड प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने तो ये बता दिया कि आप फेमबिट में कैसे अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पे कैसे प्रपोजल लिख सकते हैं और कैसे प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ फेमबिट के ट्रुथ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हो सकता है ये कुछ डीमोटिवेट करे आप लोग को, लेकिन डीमोटिवेशन से अच्छा है कि आप सच जान लो। तो मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ फेमबिट के नेगेटिव साइड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए खुद अच्छा नहीं है, क्योंकि जो फेमबिट है वो यूट्यूब से टाई अप है और हो सकता है कि इसे टेक डाउन भी किया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, सच तो सच होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सोचते हैं कि फेमबिट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सच मायने में ये है, मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, कोई डिले नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो डाल दिया है और फेमबिट वालों को आप मैसेज कर रहे हो कि मेरे पैसे कम मिलेंगे, मेरे को पैसे कम मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको टाइमली पैसे आपको दे देगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पिछले एक साल में जो क्रिएटर की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि चलो भाई कम से कम मैं 5,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लूँ, उसके बाद तो फेमबिट है ही, उसके बाद तो अर्निंग चालू हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जो 5,000 सब्सक्राइबर है ये बस आपको फेमबिट में अकाउंट बनाने के लिए है, ना कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, इसे कोई गारंटी नहीं दे रहा है वो, बस यही 5,000 सब्सक्राइबर की वैल्यू है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फर्मेशन फेमबिट नहीं देता कि अगर आपके 10,000, 20,000, इनफैक्ट 30,000 सब्सक्राइबर हैं तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रपोजल लिखेंगे, आप अपने चैनल का लिंक देंगे, फेमबिट आपके चैनल को देखेगी, और अगर उसने नोटिस किया कि आपके जो चैनल के जो व्यूज़ हैं पर वीडियो वो बहुत ही कम आ रहे हैं, मान लीजिए 300, 400, 500, जैसा कि मेरे वीडियो में ये बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं अभी, तो अगर वैसा बात है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देगा, क्योंकि अभी इतने सारे चैनल आ चुके हैं जिन पे हर वीडियो पे 5,000, 10,000 ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं, तो वो क्यों देगा? ऑब्वियस है, वो तो पैसे आपको पेड कर रहा है, तो वो भी चाहता है कि मुझे एक अच्छा व्यूज़ मिले, तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं कि आपके 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे देखते होंगे जो अपने वीडियो में बताते हैं कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है, मेरे इतने सब्सक्राइबर थे, ये था वो था, लेकिन वो आप देखेंगे कि वो बहुत पहले का वीडियो रहेगा, अभी मिलना बहुत ही मुश्किल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको नहीं मिलेगा, अगर आपके पर वीडियोज़ पे 5,000-6,000 व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रपोजल भेज सकते हैं। लेकिन जिनके जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी 10,000 हुए हैं, 15,000 हुए हैं, लेकिन उन पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मिनिमम 200, 300, 500, 600 व्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको बहुत ही मुश्किल है मिलना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद प्रपोजल भेजे हुए हैं फेमबिट पे, लगभग पिछले ही मैंने भेजा था, मैंने टोटल मैंने 6 भेजे हैं और 6 में से एक भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने 6 स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल भेजा था। सबसे ऊपर आएंगे और यहाँ देखिए होम पे दिख रहा है आपको, होम पे क्लिक करेंगे, एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप जाओगे, देखो यहाँ पे देख सकते हैं प्रपोजल सेंड, मैंने टोटल 6 प्रपोजल सेंड किए हैं जो कि अभी एक भी अप्रूव नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो अप्रूव नहीं करते, वो आपके चैनल को देखेगी, अगर आपके वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो वो आपको अप्रूव जरूर करेगी, स्पॉन्सरशिप जरूर देगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ प्रपोजल लिखा है, आपका अप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है और आपका सब्सक्राइबर 5,000 से ऊपर हो चुका है, तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वीडियो बनाते रहें, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाते हैं, ऐप्स की वीडियो बनाते हैं, जिस तरह के वीडियो बनाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, नो मैटर्स जिस किसी का भी वीडियो बनाते हैं, आप बनाते हैं, कंटिन्यू रखें, एक टाइम ऐसा आएगा कि फेमबिट वाले या फिर कोई भी प्रोडक्ट वाले आपको अप्रोच करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप देंगे और पैसा पैसा जितना आप बोलेंगे उतना आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कोई दुख वाली बात नहीं है कि मैंने भाई इतना मेहनत किया 5,000 सब्सक्राइब पूरे होने के लिए कि मुझे फेमबिट से स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना कंटेंट बनाते रहें। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने लगभग 2-3 वीडियो बनाया था कि हाउ टू बुक ऑनलाइन टिकट
फॉर रेलवेज। मैंने 3 वीडियोस बनाया था और लगभग तीनों वीडियो अच्छी चली हैं। एक पे 2 लाख व्यूज है, एक पे 1 लाख व्यूज है। तो ऐसे ही मुझे एक ऑफर आया था तत्काल सॉफ्टवेयर के प्रमोशन के लिए, और उसमें मुझे बोला गया था कि मैं उनके एक सॉफ्टवेयर है उनका एक लाइव वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक ट्रेन का टिकट बुक कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बस यही बोला था, तो मैंने बनाया उस वीडियो को, आप देख सकते हैं लगभग 5000 या 6000 उसमें व्यूज़ हैं। और हाल ही में मैंने बनाया था, तो 4-5 वीडियो के बाद आप देख सकते हैं वो वीडियो है। उस वीडियो के लिए मुझे 5000 रुपीज़ मिले थे। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको चैटिंग भी दिखा दूंगा कैसे मुझे 5000 रुपीज़ मिले हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेहनत करते रहें, वीडियो अपलोड करते रहें। एक दिन खुद कंपनी आपके पास आएगी, आप बोलेगी कि मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करें, ये करें, वो करें, मैं आपको इसके बदले इतने पैसे दूंगा। तो ये सब होने ही वाला है, बस आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना है, बस मेहनत करते जाना है। तो मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ूंगा कि अगर आप रिव्यू यूनिट लेना चाहते हैं तो आप bangood.com में आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से आप रिव्यू यूनिट ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सुना है कि वहाँ से जल्दी जल्दी मिल जाता है यानी यूट्यूबर्स को, हालांकि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि सबको वहाँ पे मिल जाता है। तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे लगभग 70-80% आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप अपने लाइक के थ्रू और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, क्योंकि जो आपका लाइक है और कमेंट है हमें बहुत ही मोटिवेट करता है नेक्स्ट जो वीडियो है और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए। सो मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलना चाहूँगा कि वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।